गायत्री जोशी और आज हम बात करेंगे चिपको आंदोलन की। बात एक ऐसी महिला की जो सिर्फ पांचवी तक पढ़ी थी लेकिन जिसके आंदोलन ने हमारे देश में पर्यावरण के लिए कानून बनाए। ग्लोबल वार्मिंग की आज बात हो रही है, बहुत सारे देश है, वैश्विक लेवल पे उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन एक महिला ने 1973 में एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया। ये बात उत्तराखंड के रहने गाँव की है। वहाँ पे सड़क बनने वाली थी और सड़क बनने के लिए 2451 वृक्षों को काटना था। ये बात गांव वालों को पता चली और बस फिर क्या था, गांव वालों को 1970 की वो बाढ़ याद थी जिस बाढ़ में उनके घर, उनके पशु सब बह के चले गए थे और वो नहीं चाह रहे थे कि फिर से वैसी ही बाढ़ आए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो पेड़ों को नहीं कटने देंगे, लेकिन सरकार भी नहीं मानने वाली थी, ठेकेदार भी नहीं मानने वाले थे। उन लोगों ने एक चाल चली, उन लोगों ने उनको मुआवजा देने का तय किया और 24 मार्च को जब ये लोग विरोध कर रहे थे तब वो लोग आए और समझा बुझा के सब मामला रफा दफा कर दिया। 26 मार्च को गाँव के सारे मर्दों को चमोली जाना था मुआवजा लेने के लिए। बस फिर क्या था, 26 मार्च का दिन था, गाँव में अकेली महिलाएँ थी। बस उसी दिन ठेकेदारों और मजदूरों ने पेड़ों को काटने का निश्चय किया। यह बात गांव की महिलाओं को पता चली कि आज हमारे पेड़ कटने वाले हैं और उन्होंने सोचा हम पेड़ नहीं कटने देंगे। 21 औरतें थी उस वक्त गांव में, वो सारी औरतें बच्चों को लेके पहुंची जंगल में और जहां पे पेड़ कटने शुरू होने वाले थे वहां पे जाके उन्होंने उसका विरोध शुरू कर दिया कि भैया मत काटो ये वो, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। फिर ये महिला ने न आन देखी न बान देखी और एक महिला पेड़ से जाके चिपक गई और बोली अगर पेड़ काटना है तो मुझे भी काटो। ये देख के गांव की और सारी महिलाएं भी इसको मतलब पेड़ों को जाके चिपक गई। और जानते हैं वो महिला कौन थी, वो थी गौरा देवी, पांचवी क्लास तक पढ़ी हुई एक महिला जिसने बोला कि पेड़ हमारा मायका है, उसे हम नहीं काटने देंगे। और बस फिर क्या था, दूसरे दिन ये अखबार की सुर्खियाँ थी, चिपको आंदोलन, यस चिपको वुमन फ्रॉम इंडिया। पूरे वर्ल्ड ने इसका लोहा माना कि नहीं, एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। और इंदिरा गांधी ने 15 सालों तक वहाँ पे पेड़ की कटाई पे प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं, उस आंदोलन के बाद ही पर्यावरण के जो भी कानून बने हैं इंडिया में वो उसके बाद ही बने। तो ट्रिब्यूट फॉर गौरा देवी, वी सैल्यूट। और हम चाहते हैं हर औरत ऐसी बने कि जो इतिहास बदल के रख दे। औरत जिद्दी होती है, ये ना भूले। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, थम्स अप मी।